मुसलसल कोशिशों से तीन बच्चों की लाशें निकाली गई हैं। दीगर दो बच्चों की लाशों की तलाश है कि हमारे गांव में कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से इतना ज्यादा पानी दाखिल हुआ कि लोगों के घर भी बहा कर ले गया। वेलकम बैक टू अवर चैनल जिदा नाम है पंजाबी टीवी। मैं थोड़े दोस्तों अमीत सिंह। आप सारे पता कि पाकिस्तान के जरा 60-70% है जरा वो पानी जरा पर चुक है तो काफ़ी नुकसान जरा हो चुक है। आप एक वीडियो देखी सी जी कि BBC न्यूज़ तो सी तो उन्होंने काफ़ी सारिया चीज़ा दसिया से पर तुसी पाकिस्तान जे लोग उस चीज़ को डिनाई कर रहे थे कि नहीं इन्ना ज़्यादा नुकसान नहीं होया। सो अज एक वीडियो है जी पाकिस्तान तो ही है, ठीक है। ये वीडियो आप देखते हैं तो ये एग्जैक्ट पता करने की कोशिश करा कि किन्ना नुकसान होया जा किन्ना नहीं। बट मेरी सारू हाथ जोड़ के अपील है कि तुम वो डोनेट करने की कोशिश करो, लोगों तक हैल्प पहुँचाने की कोशिश करो क्योंकि बहुत सारे लोग इदा के बेचारे होमलैस हो गए है, किन्ने डिसप्लेस हो चुके हैं, ठीक है, किन्ने जड़े बेचारे मर चुके हैं तो कि नुकसान हो चुक है। उस चीज़ में रिकवर करने के लिए हैल्प करो जिनी हो सकती है। पंजाबी लहर पाकिस्तान तो जेडे नासर ढिलो होनी है खालसा एड नाल मिलके वो उत्थे कंपेन कर रहे हैं तो होर भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जां काफ़ी सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स है जेड़े मतलब काम कर रहे हैं। सो तुसी बेझिझक होके चाहे जिन्ना मर्जी चाहे 2 रुपये चाहे 5 रुपये चाहे 10 रुपये पर डोनेट जरूर करो। दोस्तों ना जाने खुदा हमसे कितना नाराज़ है कि एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। दोस्तों बारिशें जिन्हें खुदा की रहमत कहा जाता है, हम पाकिस्तानियों के लिए बेपनाह जगहों पर यह जहमत बन चुकी हैं। कुदरती आफात से निमटने के इदारे NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 14 जून से अब तक तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 600 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ये वीडियो है 26 अगस्त 11,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हर तरफ अजीब कोहराम का आलम है। NDMA की 18 अगस्त की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे ज्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है जहां 202 मौत हुई हैं, जबकि सिंध में 144, पंजाब में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 135 अमवाद रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों पाकिस्तान में जारी मानसून की तूफानी बारिशों और उनके नतीजे में पैदा होने वाले सैलाबी रेलों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वीडियो में आपको जो मैं क्लिप्स दिखा रहा हूँ ये इन्ही इलाकों के हैं जहाँ पर सैलाब में लोगों ने अपने माल मवेशी, अपने घर, अपने प्यारे और अपनी औलाद तक खो दी। दोस्तों बारिशों से कीमती जानें जाया हुईं, कई लोग बेघर हो गए और हजारों एकड़ फसलें जेरे आब आ गईं। मुतासरीन का ये शिकवा है कि इमदादी कार्रवाइयां नाकाफी होने की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि इंतजामिया ये कहती है कि इमदादी सरगर्मियां पर वक्त होने की वजह से नुकसान कम हुआ है। लेकिन इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों डेरा गाजी खान और तौनसा शरीफ के कई देहातों को मजीद खतरा है, लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है और सैकड़ों कैंप लगाए गए हैं जहां खुराक और तिब्बी इमदाद भी जारी है। तौनसा शरीफ की रिहायशी ऑनलाइन जॉब कर यार ये देखो भी जेडे आप इंसान है, इंसान तो चलो बोल लेंदे है, रौला पा रहे है, जो कोई डुब रहा तो अपने दिमाग नाल बचने की कोशिश कर रहा है, पर जेडे जानवर है कोई भेड़ बकरियां मझां गावां मतलब किन्ने ज़्यादा लखां जड़े पानी च रुड़ गए। करने वाली खातून आमिरा बलोच ये कहती हैं कि हमारे गांव में कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से इतना ज्यादा पानी दाखिल हुआ कि लोगों के घर भी बहा कर ले गया, जबकि तेज पानी के बहाव में इमदादी कार्रवाइयां बर वक्त न होने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पहाड़ों से पानी तेजी से आया जिसमें लाशें भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि लोगों की फसलें भी जेरे आब आ गईं और खाने पीने का सामान पानी ज्यादातर पहाड़ों पे फिक्र है कि अब अनाज नहीं है और जो उगाया जा रहा था वो भी जेरे आब आ गया है। इस साल चूल्हे कैसे जलाए जाएंगे और इस साल क्या खाया जाएगा। आमिरा ये भी कहती है कि उनके इलाके में कोई हुकूमती सरगर्मियां नहीं हो रही और सरकार इस जानिब तवज्जो ही नहीं दे रही। लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को बचाने की कोशिश पुरानी वीडियो है बट हो सकता है कि तो तक बयानात की हद तक इमदाद की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि कोहे सुलेमान से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए मंसूबा बनाया जाए और लोगों की मदद की जाए ताकि सैलाब के बाद भूख से अमवात शुरू ना हो जाए। दोस्तों डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 रिजवान नासिर ने कहा
कि अब तक डेरा गाजी खान और तौनसा में बारिशों से आने वाले सैलाब में 31 से जायद अफराद हलाक हो चुके और मुतादद लापता है। 90,000 से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का प्लान है, जिसमें से 10% मुकम्मल हो चुका और 1100 से जायद कैंप्स लगा दिए गए हैं, जहां खुराक और इमदाद फराहम की जा रही है। दोस्तों, ज़ेर नज़र क्लिप्स में आप सिंध के क्लिप्स भी देख रहे होंगे। सूबा सिंध के मुतादद इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ। सखर, लाड़काना, खैरपुर, दादू, नवाबशाह और नौशहरा फिरोज में मूनसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरतेहाल पैदा हुई है। दोस्तों, ज़ीरी सिंध के पता नहीं कोई होटल है, ऐसी के अजला नहीं होटल नहीं है, शॉप है। सजवाल, पूरी दी पूरी खास, सांगड़ और उमरकोट में भी सूरतेहाल इंतहाई तशवीशनाक है। यह अजला बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। इन तमाम अजला में खड़ी फसलें कच्चे मकान गिर गए। बदीन जिला के सहाफी रजा आकाश ये कहते हैं कि 72 यूनियन काउंसिल्स में 55 मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ गई है, जहां बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता निकल आता है और शायद नजर भी एक ही रास्ता आता है, और वो रास्ता शायद मौत का रास्ता है। दोस्तों, इस इलाके के लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनमें से कुछ तो अभी पैदा तक नहीं हुए, वो बच्चे भी मर गए। दोस्तों, इरफान गुरमानी नामी एक शख्स ने एक वीडियो क्लिप बनाया है, जिस वीडियो क्लिप को अगर आप गौर से देखें तो ये ड्रोन फुटेज है इस पूरे इलाके के अंदर बसने वाले कोहराम, इमदादी सरगर्मियों और उन तमाम गांवों की, जिन गांवों में आपको सिर्फ और सिर्फ दरख्त दिखाई देंगे, घर तबाह बर्बाद हुए। दोस्तों, आपको मंगरोठा चौक तौनसा दिखाई दे रहा होगा। इस मंगरोठा चौक तौनसा की रौनकें इस कदर होती थीं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते थे बैठने के लिए, गपशप करने के लिए, ताकि वो आएं, बैठें, प्यार मोहब्बत की बातें करें। मारूफ शायर तहजीब हाफी, जिनका ताल्लुक तौनसा शरीफ से है, उनके घर की भी दीवारें गिर गईं। उनके अपने बहन भाई, उनके अपने दोस्त अहबाब, वो सब कोशिशें कर रहे हैं इस इलाके के अंदर जाकर लोगों की इमदाद करने की, सरगर्मियां करने की, लेकिन उनके अपने घर इस सैलाबी रेले के अंदर बह निकले। यहाँ से सिर्फ विगो डाले या 4x4 गाड़ियाँ ही गुजर सकती हैं, लेकिन अफसोस कि जो लोग इमदाद करने गए हैं उनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं। सरकार से हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि सरकार इन्हें हेलीकॉप्टर देने पर तैयार भी हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बाअसर लोगों ने इस दफ़ा मैदान में कदम रखा। और इस कौम को आप लोग जानते हैं दोस्तों, कि जब कभी मुसीबत आती है तो कई दफ़ा ये लोग अपनी पुरानी तमाम रंजिशें एक तरफ रखते हुए एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शाह वलीउल्लाह नामी एक शख्स ने बताया कि तेज बारिश की वजह से नदी में तुगयानी थी, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल कोशिशों से 3 बच्चों की लाशें निकाली गई हैं। दीगर 2 बच्चों की लाशों की तलाश का अमल अंधेरा हो जाने की वजह से रोक दिया गया, जो कि दोबारा शुरू हुआ, और ऐन मुमकिन है कि इन दोनों बच्चों की लाशें भी मिल जाएं। दोस्तों, शाह वली से पूछा गया कि ये बच्चे कैसे सैलाबी रेले के नज़र हुए, तो उनका कहना था कि इन बच्चों का घर एक पहाड़ी इलाके पर वाक़ है और ये रोज़ाना स्कूल जाते हुए इस नदी को पार करते हैं। आम दिनों में इस नदी में पानी नहीं होता, लेकिन आज तुगयानी की वजह से सैलाबी रेला अचानक आया और इन बच्चों को साथ ही ले गया। ऐसा नहीं था कि सैलाबी रेला गुजर रहा था और ये बच्चे पानी को पार कर रहे थे। जब ये बच्चे नदी के दरमियान में पहुंचे तो एकदम सैलाबी रेला आ गया और इन बच्चों को अपने साथ ले गया। इस वाक़े के बाद अपर दीर के डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत किसी भी शख्स को दरिया के किनारे जाने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे PDMA ने 23 अगस्त को सूबे में शदीद बारिशों की पेशगोई की थी, जो 26 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दोस्तों, ये भी बताया गया कि इंडिया के शहर मशरकी राजस्थान से कम दबाव वाली जगह से हवा का रुख पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। एडवाइजरी के मुताबिक शदीद बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी भी आ सकती है, जबकि बाज़ इलाकों में सैलाब का ख़तरा भी है, जिसकी वजह से सयाहों और दीगर मुसाफिरों से मोहतात रहने की अपील भी की गई है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपके इर्द गिर्द जो शख्स आपको काबिल एतबार लगता है, जो कि वाकईतन लोगों की मदद करने की नीयत से मैदान में उतरा है, उसकी हेल्प कीजिए और अल्लाह। ओ यार,
ਬਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਰੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ TRP ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਾਫੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1500 ਕਰਨਾ, 2000 ਕਰਨਾ, 2500 ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏਗੀ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਖੇਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।